समाजी खिदमात अंजाम देने की बात जबान से कहनी तो आसान है, लेकिन इस मैदान में काम करना इतना आसान नहीं जितना कि समझा जाता है, खुसूसन तिब्बी मैदान में। जबकि खिदमत समझकर इस पेशे से जुड़े रहने वाले कम और कमर्शियल तौर पर ज्यादा हैं। मजहब और रंगो नस्ल से ऊपर उठकर मुआशरे के हर फर्द को सही तिब्बी मशवरे देते हुए उनका सही इलाज करने वाले डॉक्टर अब खाल खाल ही नजर आते हैं। हकीकत में खिदमत करने वाले अपने पीछे ऐसी यादें छोड़ जाते हैं कि फिर इंसान उसका मजहब नहीं देखता, बल्कि इंसानियत के लिए उसकी खिदमत की सराहना किए बगैर नहीं रहता। मनकी में गुज़िश्ता 43 साल से अपनी तिब्बी खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर विश्वनाथ शेट्टी ने अपनी खिदमत के जरिए हर एक का दिल जीत लिया। उनके इंतकाल के बाद हर एक उनकी खिदमत की तारीफ कर रहा है और सही इलाज करने के उनके उस हुनर ने हर एक का दिल जीत लिया था। जब वो आए थे, नौजवानी का दौर था, बहुत सारी जो हमारे छोटे छोटे देहात हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई बंदोबस्त नहीं था। रात के 11 बजे 10 बजे अपने एक छोटी सी उनके पास बाइक थी, अपनी बैटरी लेकर बारिश के ज़माने में इतनी पानी भर जाता था वहाँ पे, उस ज़माने में भी वहाँ जाकर लोगों की जिस अंदाज़ में उन्होंने तिब्बी खिदमत की है वो एक रोशन बाप रहा है। अगर कल को मनकी का कोई भी मौरिख अगर तिब्बी खिदमत के ज़रिए अगर कोई तारीख लिखेगा तो डॉक्टर शेट्टी का नाम सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जाएगा और उनका नाम उस तारीख में हमेशा ऊपर रहेगा। लेकिन ये चले गए ज़रूर, लेकिन हमारे इंसानों के मनकी वालों के दिलों में अपने आप को ज़िंदा रख के चले गए हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं ख़ुद मेरे बड़े अच्छे मरासिम थे और वाहत मैं शख्स हूँ हमारे मनकी का, हमारी कम्युनिटी का, मेरे साथ वो हमेशा कन्नड़ा में ही बात किया करते थे। बहुत सारों के साथ वो तकरीबन आदमियों के साथ या औरतों के साथ नुमाइती ही बात करते थे या कभी कभार उर्दू बात करते, चंद हमारे अबूमत या ऐसे चंद नौजवानों के साथ वो इंग्लिश बात करते थे और मैं ही वह शख्स हूँ जिनके साथ वो हमेशा कन्नड़ा में बात किया करते थे। इस वक्त जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, खासकर लड़कियाँ या फिर मर्द हजरात, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, अभी डॉक्टर शेट्टी तो चले गए, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा एहसास हो गया है, काश के हमारा कोई हमारी कोई लड़की, हमारा कोई लड़का, काश के कोई एक डॉक्टर बनता। आज हमें बहुत सख्त डॉक्टरों की ज़रूरत है हमारे अपने बच्चों को। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से साइंस में जाएं, कोशिश करें और अच्छे नंबरा से अगर पास हो जाएं, गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, सिर्फ उन्हें फीस देना पड़ता है। जब अगर उनके एग्ज़ाम नीट के एग्ज़ाम होते हैं, नीट के एग्ज़ाम में अगर वो 5,000 के अंदर आ जाएँ तो गवर्नमेंट उनको फ्री स्कॉलरशिप देती है, सिर्फ फीस लिया जाता है। हमारे बच्चे थोड़ी सी मेहनत करें तो कोशिश करें और इस फील्ड में आने की अशद ज़रूरत, इस फील्ड में आने की कोशिश करें, वक्त का तकाजा आ जाए। जब किसी भी कस्म का मर्ज लायक हो तो मनकी का हर फर्द उनसे इलाज मुआलजा और मशवरे ज़रूर लेता। मजीद इलाज के लिए मेंगलुरु या मणिपाल जाने के लिए भी उनसे मशवरे लेना जरूरी समझा जाता था। उन्होंने खुद को आवाम के हर तबके की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था, इसीलिए मनकी का हर फर्द उनके इंतकाल पर सोगवार है। कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी, लोग वबा से ज्यादा वबा के खौफ से सहमे हुए थे। वबा के खौफ ने मुल्क की तस्वीर को बहुत भयानक रूप में तब्दील कर दिया था। कोरोना के उन अय्याम और हालात में हमने कितने ऐसे अस्पताल और क्लिनिक देखे जहां के स्टाफ और डॉक्टरों का रवैया आम अय्याम के मुकाबले में बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। ऐसे में मरीज के इलाज मुआलजे के लिए आवाम को कई परेशानियां भी लायक हो रही थी, मगर उन अय्याम में भी डॉक्टर शेट्टी ने हमारी आवाम की ऐसी खिदमत की कि आज हर किसी की जबान पर उसकी खिदमत का तस्किरा सुनने में आ रहा है। आज तो डेथ जलो तेका देवान के गला आत्मा भीतर शांति मिलो म्हणून आम्ही उठलो, देवाकडे प्रे करूया तेला आत्मा शांति मिलो। आणि तो मंकी भीतर 40 वर्ष तो कोण येऊन मंकी भीतर VSS सोसायटीचे मेंबर जलो, बोर्डाचे मेंबर जलो आणि डॉक्टर जाऊन एक लोकांकडे सामान्य लोकांक, गरीब लोकांक
पैसे ना जिले जेव आशिले जेव सगट लोक 12 घंटे रात 1 घंटे रात 2 घंटे रात 3 घंटे रात कितने घंटे राती भीतर तो पोटा दर कुटा दर कसले दर मोड़ गेला तरी तो उठन सेवे कर लो आज इतले वो डॉक्टर मंकी भीतर तेगेले आत्मा भीतर शांत मिलो मोड़ आम्मी उठलो को प्रे करिया आज मंकी भीतर कोरोना भीतर कोणी भी डेथ चलना जास्ती मोड़ मड़ले जिला आज सिटी डॉक्टर वो ये आसा तेगेले सेवे ना जला कसले ताप यो थंडी जेवो सगट मेलन तालुका हॉस्पिटल ना जला जिला हॉस्पिटल मंगलूर वे साध्य ना आशिले ते टाइमार इमिडिएटली ट्रीटमेंट दिवन तेंगेले जीव वंचेलो आज आमगेले सामे ना आमी सगट मेलन तेका तेगेले आत्मा भितर शांत मेलो मेलन सगट लोक मेलन आमी आत्मा भितर शांत मेलो मेलन एक प्रे करया तेका बरे जेवो देव भी अल्लाह भी बरे करो मेलन आमी प्रार्थना करता है। डॉक्टर शेट्टी खुद अपनी एक तकरीर में क्या कह रहे हैं समाप्त करें। जैसे कि शकील मौलाना ने अभी बताया जब लॉकडाउन में बहुत से कुछ तकलीफें सब लोगों को उठाना पड़ा, मस्जिदें मंदिरें गुरुद्वार चर्च हर एक चीज बंद रही है, दुकानें बंद थी, बस नहीं टेम्पो नहीं कुछ नहीं है, मगर हिम्मत से एक कह सकता हूँ कि एक हॉस्पिटल अगर खुला है वो मेरा ही था। छः महीने के लॉकडाउन में भी आपको 24 घंटे सर्विस दिया अगर है तो मंकी में या शायद दूसरे गांव को भी अगर कंपेयर करें तो शायद मेरा ही एक क्लिनिक है जो आज तक एक दिन भी बंद नहीं किया है। 4.5 महीने से मैंने एक दिन का छुट्टी भी नहीं लिया हूँ, आप यकीन करेंगे। आपने बहुत से लोगों को सुन पेपरों में इधर सब सुने होंगे कितने हॉस्पिटल बंद थे, कितने और डॉक्टरों घर में बैठ के अपने किस वजह से मालूम नहीं, डर के वजह से या कॉफ के वजह से या अपनी हिफाजत के वजह से, मगर मैंने एक ही सोचा है कि वर्क इज वर्शिप। अगर आपको खुदा को चाह देखना है तो अपने फर्ज में देखो, अपने मेहनत में देखो, उसी में आपको फर्ज रहेगा। मैंने आज तक अपना वर्क को ही वर्शिप माना हूँ। मैं आप सब लोग का सेवा इतने साल से कर रहा हूँ, आगे देखा जाएगा कितने साल तक करने की जो हम लोग को परमिशन देगा, मगर जब तक भी रहूंगा आप लोग की सेवा करते रहूंगा। वो एक शख्स नहीं बल्कि एक कारवां था, उसने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिंदगी गुजारी और जब मौत आई तो एक जहां को अफसुरदा करके चला गया। यूं तो हर इंसान दुनिया से जाने के लिए ही आया है और हर एक को इस दुनिया से कूच कर जाना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जुदाई से हमें उनकी यादें सताती रहती है और वो हमें रह रह कर याद आते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ शेट्टी भी उन्हीं लोगों में से थे जिनकी जुदाई ने अहलिया ने मनकी में गम का समा बांधा है। डॉक्टर शेट्टी की खिदमात का एतराफ करते हुए मनकी वातराफ के कई इदारों ने उनके एजाज में तहनियती प्रोग्राम भी मुनाकिद किए हैं, जहां उनकी गुलपोशी और शालपोशी वगैरह के साथ कई बड़े बड़े अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया है। डॉक्टर विश्वनाथ शेट्टी की आखिरी रसूमात अदा करने के बाद उनके अहलोयाल वापिस मनकी लौटे। इदारा अहले मनकी ने उनके इस अहलोयाल से मुलाकात करते हुए ताजियती कलिमात पेश किए। डॉक्टर विश्वनाथ शेट्टी की वफात के बाद उनके अहलोयाल क्या कह रहे हैं समाप्त करें। मेरा नाम डॉक्टर गणेश है, मैं शेट्टी डॉक्टर का बेटा हूं, मैं मणिपाल में डॉक्टर हूं, जनरल मेडिसिन MD मेडिसिन हूं। मैं सभी मंकी लोगों के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोगों ने इतना प्यार दिखाया है मेरे फादर पर, जो मेरे फादर को अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए तुम ही लोग है जो कारण है आज इतना ये सब प्यार से ही उन्होंने अच्छा डॉक्टर बनने का वो इच्छा उन्होंने मिला है। ये सब अनफॉर्चुनेटली हम कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, ये सब सडनली हो गया था। दोपहर में उनका कॉन्शियसनेस ऊपर नीचे हुआ था, मुझे मेरे माँ ने कॉल किया और मैंने सडनली मैं जल्दी जल्दी से आपको उनको मणिपाल बुलाया, मैं था उधर। उन्होंने हमने जल्दी जल्दी लेके गए, बाद में उधर पता चला कि उनका ब्रेन में एक क्लॉट था
इसलिए मैंने उनको मैंगलोर लेके गया ज्योति मणिपाल। उधर हम क्लॉट निकालने के लिए ट्राई भी किया ऑपरेशन करके, पर उतना तक देर हुआ था इसलिए हम तब तो हम बचा नहीं पाए। हमने कोशिश किया, तब तक तो बहुत देर हुआ था। आपको ये भी सोचने होंगे कि अब क्या करेंगे, इस क्लिनिक का क्या आगे क्या करेंगे। अभी टेम्पररी हम मेरी सिस्टर बैठेगी, हम देखेंगे, क्योंकि हमको भी इच्छा है कि ये कंटिन्यू हो जाए, कि लोगों को सर्विस मिले। तो अभी जैसे उनका भी वहाँ पर डेथ हुआ है, तो उनको यहाँ पे क्यों नहीं ले गए, उसका एक रीज़न अभी हम लोग हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। वो एक प्रॉब्लम था कि कोविड का कुछ रूल्स था, और इधर ऐसा माहौल था कि पहले ही सुना था कि 1000 लोग ऑलरेडी इधर इकट्ठे हुए थे, और कोविड का परमिशन का भी प्रॉब्लम था कि ज़्यादा लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और इसी के कारण हम लेके नहीं आ पाए। I'm right now we have still not come out of the shock. Like he lived like a legend. For me he was inspiration for me to take up medicine. Every time whenever I used to go to his clinic to give coffee, I used to see lot of people waiting for him. Like lot means there were no place to stand inside the clinic. They were standing, so there were so many people, and the way he used to treat people, looking at that, it inspired me to take medicine. So every time whenever I was small, I was to go to mom and say, Amma, I want to become like Papa, doctor. I want to become a doctor like Papa. Unfortunately, he left us so suddenly. We couldn't even speak to him. I mean, he had his own style. He was born with the style. Whatever it is, in whatever field, what it might be, he is like, he mingles with everyone, every age group. It might be youngsters, old age. He could understand their language. He could understand what they want to tell. And coming to his treatment, the love that has been showered to us, not only when he's there, after he left us also will tell us how much people loved him, how much his treatment was so good to people. He had a lot of stories to tell. He used to come and, even my mom says, there were days like 20, 30 years back when there was no roads. I think it was Balkur River, where there was no road. He used to go with the boat. The boat has toppled. He swim back and put the boat back, and then he went to the next village. Because there was not even a road to treat those people. He was a good swimmer, so he could do that. He was so daring in his young age that with that bike. There were days there was an accident and then he fell on a cow. Luckily the cow didn't fell on him. That injury was still there. Even few months back he told that I have a severe knee pain, I have to get operated. I mean, what do I say? If I start saying about him, like I don't think even a day is less. It's marvelous. It's like I've always looked up to him. So today this clinic has been opened. So what are the thinkings of this? I after he left also, I always feel his presence. Today I opened his OPD, even I felt he had his own style, the way he used to tell. Even all the languages, I remember the way he used to speak. It was so fluent. And the good thing about him is he took this village like his family. He know everyone, each one of the family members of the house. He knew every member's name. He knew who are related to whom, how many children they have, who are married to which house. That was his love towards the village. He used to tell. He used to call me Ami. She's this one's sister. Their children. That much he knew about this village. So after him, who is going to take over of this? He has done so much for me. My education. Every time he was very supportive. So I don't want to leave suddenly. I'm very sure he'll feel bad this hospital if it collapses. I don't want to go through that feeling, because he's watching me right now. So right now I will.
because anyway, my son has online classes. I can continue it from here. I will continue it for few more months. Then let's see how it goes. But anyway, we will not shut this hospital down for never ever. And we will never give this to anyone, because it's father's memory, and this hospital has to be continued forever and ever. That hospital will be always a hospital. That's his dream. Though he said that I want to retire, but down in his heart he always wanted this hospital to be continued forever, because he's put lot of efforts, lots of love in this hospital. He has given so many treated so many patients. Like before, when he was here, in the midnight also, if any patient was coming, so yeah, he was looking for them. Yes, so yes. What is going to be next for them? Like if any of the people or any of the patients are coming in the midnight. If I am there, I don't know after that, in the night, I can get up. My family, my mother says that I follow a lot like my father. I have a lot of character like my father. So that's what I will do for my people, for this village. But that will be there. That is definitely will be there. So what are the next plans of yours? Like, do you have any plans to upgrade this clinic or something? I want, because I have done specialization in ENT, that is ear, nose and throat. And I've done super specialization in otology, that is only ear. I've done 1 year course about that. I've done actually lot of it. Then I did my national board certificate also. I want to establish my own, because when you are specialized in some subject, you would like to do that subject. But here, it is not about specialization. Every right from gynecology to medicine, all the fields are there. But probably after a few months, I will open up my instrument and keep it for certain sector if they really want to do some endoscope or otoscope, some basic diagnostic. So there are so many female students still who are studying in science stream. Yeah. So what are your message to give them? Like, do you say them to study or go through on the, in the doctor's field or something? Definitely. Medicine is such a beautiful subject. You should take. It's such a beautiful subject. It's not about money. It is the passion. If you're really interested, you should take up. Just don't look at the money and take up medicine. Money will come if you love the subject. Money will come if you love the if the patient gets treated. That much is more than enough. Satisfaction is more than enough. If for money, my father, what did he enjoy? He just enjoyed giving service to people. Every time he used to tell Manju, 6 o'clock, come, we'll go to hospital. Not that money. I used to tell, come. I live in Bahrain, so come, Papa, live with me for 1 week. It's like, okay, I'll come for 3 days, he'll tell. Because it is not about the money. It is that he used to love what he was doing. He used to enjoy seeing patient. That was his thing. If he had time also, he didn't want it to waste in my native place. He just wanted to be here. Probably that's why his last soul also went from this place only. And the best part of my father is he was so good at his diagnosis. Even when at the end, when he was grasping for his breath, he told Manju, Gannu, it's my brother's name, Gannu stroke. He diagnosed his own thing and he died. He knew what is happening to me. He couldn't speak Gannu stroke, but he said and he died. That was his power of diagnosis. That was, he was so strong with his clinical knowledge. उनके इंतकाल की खबर के बाद मनकी में तमाम दुकानें भी बंद कर दी गई। मुस्लिम और गैर मुस्लिम ताजिरों से सिलसिले में बात की गई तो मालूम हुआ कि डॉक्टर शेट्टी की पिछले कई सालों से अच्छी खिदमात रही है, उसी के सम्मान में उन्होंने दुकानें भी बंद करने का फैसला किया। आज हमारे बीच में नहीं है वो लोग, वो दुख में हम लोग अभी पूरे बंसाले का ये वर्तक संघ लोगों ने पूरा बंद कर रहे हैं। कुल मिलाकर यही है कि डॉक्टर शेट्टी के विशाल से एक खला पैदा हुआ है जिसका पूर होना मुश्किल नजर आ रहा है और मन की एक काबिल फख्र डॉक्टर से महरूम हो गया। डॉक्टर विश्वनाथ शेट्टी 21 अप्रैल 1953 में पैदा हुए। एसडीएम उड़पी से आपने बीएसएएम की डिग्री हासिल की, जिसके बाद 1979 में आप मन की तशरीफ लाए और नाखुदा जमात कॉम्प्लेक्स बंसाले से अपनी छोटी सी क्लिनिक शुरू की और 20 साल तक उसी छोटे से कमरे के जरिए अपनी तिब्बी खिदमात अंजाम दी।
फिर अपनी क्लिनिक को एक छोटे से अस्पताल की शक्ल देकर 1998 में उसका शानदार इफ्तिताह किया, जहां पर कुल 23 साल तक अपनी तिब्बी खिदमत अंजाम दी। कुल मिलाकर डॉक्टर शेट्टी ने अपनी जिंदगी की 68 बहारें देखी और डॉक्टर विश्वनाथ शेट्टी ने करीब 43 साल तक इसी बस्ती में रहकर अपनी खिदमत भी अंजाम दी। उनके साथ पिछले 40 सालों तक क्लिनिक में कंपाउंडर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले इस मौके पर क्या ख्यालात का इजहार करते हैं और 10 साल से अपनी खिदमत अंजाम देने वाली नर्स डॉक्टर शेट्टी की अचानक हुई मौत पर क्या कहती है, समाप्त करें। मैं रबून डॉक्टर कहना मन के भीतर आई लो तेरे दिवस तक मैं तेजे फाटी रबलो मुकर हमें दिवस असे नहीं शेट्टी किसी हिंग मन के भीतर का करी लो तसले सर्विस हम मन के दिव का आमचे मनशा देव का आमचे गांवचे मनशा देव का हेजाकिंत ज्यादा देव का मोरूचे ही जेवचे क्या नको असे आज नाही जा पोचे मोरूचेस ज्याला आमचे पेशंट आम्ही का सर्विस देतात आमका ते मेन मी कितले दिवस जिंदा रबतलो तितले दिवस सिटी लगी तेजे नाव को मी हाडू का इशी सर्विस देव का मनशाक दूध नाते मनशे येतात गरीब मनशे येतात तेमका उठ्ठो सुद्धा सुन वसू का विजिट को घराकडे एक पेशंट असे त्या काही हाडूचे येणे डॉक्टर वसणे जे तर बेजान नाही मी येणे विजिट करून होता ॲक्च्युली कोरोना पेशंटाक खंयचे डॉक्टर का हे करणार ज्याला हा मे वसून तुमच्या घरा वसून सर्विस दिले कितले की घरं असे मनके भीतर को असे हिंगा को असे खेळा भीतर को असे तशी सर्विस देतलो मी तुमका बल्ली बेजार देख तसे का करूचे ते का करू चकू जाने क्या मशी आनी एक पांच वर्ष मका एक मरतबा संगलो होता का मन तू मे दोगो मनशे एक मरतबा हे दे हूँ रिजल्ट दे हूँ तू सोडला मे बंद करूँ वतलो तुझे तकून मे बसला से हिंगा इशी सांगितलं का करू चाहता आता आमका को बेजार असे ज्याला काय करू चाहिए हे जाने मैं डॉक्टर पहिलं होत नाही वर्षा टाइमला तिंग चार पेशंट पडलो पडून तिंग ड्रिप ड्रिप काढून ते मका माथे कोते दारा रेस्ट करता घरा गेलो ते 12 घंटे भीतर तुका जरा बी पी हाय झाले मग एक तोंड बी एक नमुनी करून एक स्ट्रॉप केली मी कुठले गाणं गाऊन मणिपूर उरलो मणिपूर अर्धा झाले त्या वॉमिटिंग झाले नंतर तो बेवस पडलो तर भीतर बसून तो डॉक्टर स्कॅनिंग बिनिंग करून त्याच्यामध्ये आणि बेंगलोर वस का म्हणतो तुम्ही कितले इयर्स चुकून डॉक्टर सिंग मी 40 इयर्स ना सर 40 इयर्स हा तुमचे एक्सपिरियन्स कसे झाले नक्की नक्की झाले तर मग बरे करतलो हे करतलो करेक्ट टाइम पेमेंट येतलो असे झालो मुझी येता 10 वर्ष सर्विशले म्हणजे हां येता असताना खाली एक 10th उपर डिप्लोमा करून आलेले हिंगा मग आता तो बॉस कोण आहे म्हणजे होतो शिक्षक शिकेलेलो गुरु तो म्हणा हांव नर्सिंग करनाशिले हिंगा हे म्हाका डॉक्टरा लगे 6 मंथ कोर्स करसून हिंगा सिस्टर झालेले हांव आता म्हाका स्टार्टिंगाच शिकता असं झालं तरी म्हाका 1-2500 रुपये पेमेंट दिन हिंगा रूम सगळं फ्री दिन जेवण सगळं फ्री दिन काम करूंक घेत आशिल्लो तेकले आनी म्हाका कसलेय जाला तरी हांव म्हजे लग्नाक जेव कित्याक जेव म्हाका हेल्प करत आशिल्लो तो दुडवा विशयन हेल्प करत आशिल्लो आतां कितें तर चूक जाला तर म्हजे निमित्तान ते सुदारसून घेवन वयता आशिल्लो तो डॉक्टर के इंतकाल पर मनकी की समाजी शख्सियात जिम्मेदारान और हजारों अफराद ने रंज और दुख का इजहार करते हुए कहा कि उनकी रहलत से यकीनन मनकी में तिब्बी खिदमात का एक रोशन बाब बंद हो गया और अचानक डॉक्टर शेट्टी की मौत यकीनन अहलियान मनकी के लिए किसी बड़े खसारे से कम नहीं। रहने को सदा देहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। जी हाँ, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुथ ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। इदारा अहले मनकी की जानिब से डॉक्टर विश्वनाथ शेट्टी की रहलत पर बनी उनकी डॉक्यूमेंट्री अपने अख्तिताम को पहुंच रही है। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ आप अपने मेज़बान ताज़ीम काजी को इजाज़त दें, आगे फिर किसी खास मौजू के तहत आपके दरमियान हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह।